back to my channel, myself Prachi and होने वाली CM Prachi. Guys, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. और guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि हमारा कंटिन्यू होने वाला है. गाइस, इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और स्टडी मैट तो गाइस मैंने पहले ही कवर कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो गाइस क्या कर रहे हो, जाकर देखो जल्दी जल्दी. ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, मैं क्विक रिकॉल दे देती हूँ आपको सो दैट आपको अच्छे से याद आ जाए. ठीक है गाइस, आप सोच रहे हो इतनी ब्यूटीफुल वाली बुक मैम कहाँ से मिलेगी. गाइस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर बाइंग दिस बुक. ओके, एंड गाइस ये वाली नोट्स जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम टू द पॉइंट है. एंड आपको बस इसको लर्न करके जाना है, तीन बार बस आपको रिवाइज करना है. एंड दैट गाइस फिर आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं आप मुझे आके खुद बताओगे. ठीक है गाइस, तो रिकॉल करना स्टार्ट करते अपन. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था जल्दी से बताओ. सबसे पहले मैम हम लोग ने पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, याद है? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अपन ने क्या पढ़ा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अपन आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं एंड फिर अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को लिंकेज करते हैं. ठीक है, फिर गाइज अपन ने पढ़ा था कि कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और फिर इसका काम है कि मिशन के साथ ऐड कर दे हमारे गोल को, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को. ठीक है गाइज, देन अपन ने क्या पढ़ा था जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं. अपन ने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में क्या डिफरेंस है. तो गाइज हमने पढ़ा था कि अप्रेजल जो होती है वो मोनोलिथिक होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है. ठीक है, देन रेटिंग यूज होता है इसमें. एंड गाइज अपन इसके अपोजिट में क्या पढ़े थे कि एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है. ठीक है, ज्वाइंट प्रोसेस होता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, रेटिंग इसमें कम लगती है. ठीक है, इसमें कौन करता है, एचआर करता है, इसमें कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, मैनेजर करता है. तो गाइज आई होप आपको याद आ रहा होगा सब चीजें. ठीक है गाइज, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है उसकी साइकिल क्या होती है. तो गाइज मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था शादी वाला, इसमें तो सबसे पहले आप क्या करते हो गाइज, प्लान, देन हम लोग एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद मॉनिटर करते अपनी चीजों को, एंड देन क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं उसका. ठीक है, प्लान एक्ट मॉनिटर रिव्यू, प्लान एक्ट मॉनिटर रिव्यू. क्लियर हो यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं गाइज. तो आज का टॉपिक है जो मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये आज का टॉपिक है. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है, मतलब इसके फीचर्स टाइप का हुआ, लाइक इसके पार्ट्स टाइप का हुआ. ठीक है, तो मतलब इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम लोग को परफॉर्मेंस को मैनेज करना है तो फिर उसके लिए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को कि किस टाइप से मैं करूँगा, लाइक आपको प्लान करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो प्रोसेस जो रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, टारगेट. हमको ये काम करना है, दिस इज आवर टारगेट. हमको सीएमए फाइनल पूरा करना है, दिस इज हमारा टारगेट. हमको क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में, दिस इज आवर टारगेट. तो अपन क्या किए, परफॉर्मेंस में प्लानिंग किए कि वी हैव टू अचीव आवर फाइनल एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट. इस अटेम्प्ट में करना ही है, ये हमारा क्या है, प्लानिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है जिसमें अपन डिसाइड करेंगे अपना प्लान. उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे गाइज, आप मेरी मदद लोगे, आप जाओगे जल्दी 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 सीएमए आप टाइप करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करोगे, जैसे ही आपको सारी अपडेट्स डेली मिलते रहेगी. तो आप क्या किए गाइज, आपने ज्वाइन किया हैंड मेरे साथ, आपने अपनी पढ़ाई की तैयारी करने के लिए मेरा सपोर्ट लिया, मैंने आपको सपोर्ट किया, एंड देन वी विल अचीव योर गोल. ओके गाइस, तो ये क्या हुआ, इससे ये सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस की बिगनिंग की. जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए आपकी परफॉर्मेंस की बिगनिंग स्टार्ट हो गई गाइस. आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को जल्दी पाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो गाइस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा. बोलोगे मैम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने पढ़ाया था, अप्रेजल बीच में कैसे आ गया अब? तो गाइस परफॉर्मेंस अप्रेजल अब इसका पार्ट बन जाएगा. लाइक अपन को तो इतना अपन जज कर लिए खुद से कि मैनेजमेंट और अप्रेजल में हमको तो मैनेजमेंट करना है. ठीक है, आपने अपने मन में बना लिया कि मैम हम तो फ्लेक्सिबल प्रोसेस वाला ही चूज करेंगे करके. तो जब अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन को मैनेजमेंट ही करना है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अपन अप्रेजल का जो बेनिफिट्स है, जो एडवांटेज है, उसको अपने तरफ खींच लेंगे. ठीक है, जैसे गाइस किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो अपन को उसकी अच्छाइयाँ को लेनी चाहिए, वैसे ही
परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी ना, तभी तो ये अप्रोच है। तो उसकी जो भी अच्छाई है उसको अपन अपने में मैनेजमेंट में इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले अपन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू को कैसे लेंगे? सबसे पहले अप्रेजल क्या करेगा गाइज, हमारा जो सेल्फ अप्रेजल फॉर्म अपन एक फिल करेंगे, ठीक है, और उसमें अपन डिस्क्राइब करेंगे कि हमने क्या क्या अचीव किया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे गाइज, सेल्फ अप्रेजल के बाद आप क्या करोगे, फाइनली रेटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। और फिर नॉर्मली ये काम अपन दो बार करेंगे। मतलब आपको समझ आ रहा है कैसे करोगे? मतलब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो करते रहोगे वीकली या मंथली या फिर क्वार्टरली, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एक अपन ना इसमें एक मैंडेटरी वाली चीजों को भी डाल देंगे, सो दैट आप समझ रहे हो। जैसे ही अगर अप्रेजल का पार्ट इसमें एंटर होगा ना, इसमें ये होगा कि ना आपकी चीजें थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो गई, थोड़ी फॉर्मल हो गई, ठीक है। हर चीज़ एकदम इनफॉर्मल से अच्छी नहीं लग रही थी ना, अब अपन अप्रेजल के पार्ट को थोड़ा इंटीग्रेट किए तो ये थोड़ी सी फॉर्मल हो गई, ठीक है। तो सेल्फ अप्रेजल जो अब इसमें आ गया, तो अब अपन को कम से कम साल में दो बार तो ये काम करना है, उसके अलावा एन नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन डू मैनेजमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस फॉलोड बाय द पर्सनल काउंसलिंग एंड परफॉर्मेंस फैसिलिटेशन। मतलब जो इम्प्लॉय होगा वो क्या देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। इम्प्लॉय जो रहेगा वो फीडबैक देगा, मतलब मेरे को कैसा फील होता है एज ए इम्प्लॉय, मैं कैसा महसूस करता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट में, किस टाइप से करने से बेस्ट रहेगा, सबका हम लोग को ना रिव्यू लेना चाहिए। जैसे कि गाइस कोई समझ लो कि कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, मान लीजिए ना हो ऐसा, बट मान लीजिए एक बार हो गया, तो आपको उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि यार वो फेल हो गया, वो गधा है। नो गाइस, कभी नहीं करना चाहिए किसी को, किसी के साथ ऐसा, बल्कि आपको लेना चाहिए उसमें से क्या अच्छाइयाँ हैं। लाइक अगर कोई अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाया या फिर दिया था उसने अपना परसेंटेज 100% दिया था, तो आखिर उसमें क्या कमी रह गई थी, ये अपन को सीखना चाहिए। आखिर उसने क्या मिस्टेक्स की थी, उसकी मिस्टेक से हमको सीखना चाहिए, सो दैट सेम मिस्टेक हम ना करें, ठीक है। तो ऐसे ही इम्प्लॉय को हमको छोटा नहीं मानना चाहिए, हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो इम्प्लॉय है वो क्या बताएगा हमको, हम बॉस है हमको सब पता है, हमको कौन बताएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इम्प्लॉय से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनसे हमको फीडबैक लेना है, और फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वो जो बताएंगे उसको अपन देखते हैं कि अगर अपन को भी लगता है वो चीज़ कि इसने ये वाला एरिया बताया है और जेन्युइनली ये एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वी कैन डू दैट, ओके। कि अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि जो इम्प्लॉय है उससे जो हमको एक्सपेक्टेशंस है उतना परफॉर्म वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपन को देखना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है, पर्सनल काउंसलिंग जब आप करोगे उसकी, तो पर्सनल काउंसलिंग में आपको ये देखना है। जैसे कि गाइस हमारी भी सर्विसेज है पर्सनल काउंसलिंग की, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने अपने स्टूडेंट को बताया कि यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड देन आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो कर रहा है कि नहीं वैसा, वो हमारी जिम्मेदारी देखने की। हम नेक्स्ट टाइम जब वो कॉल करेगा तब हम उसको पूछेंगे कि जो हमारे लास्ट मंथ के हमने दिए थे आपको टारगेट्स, क्या आप अचीव कर पाए, क्या आप उतना अप टू द कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। तो पर्सनल काउंसलिंग जब अपन करते हैं तो अपना काम यही रहता है कि अगर हमने कुछ टारगेट्स दिए हैं तो वो अचीव हो पा रहे नहीं हो पा रहे, अगर नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे, इसका रीजन ढूंढना और सल्यूशन निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, अब अपन रिवॉर्ड करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि जब छोटे छोटे थे हम लोग टिट्टू से थे, तो हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जब स्कूल जाते थे तो अपन को वहाँ पर अगर कोई कंपटीशन होता था तो अपन को रिवॉर्ड देते थे, उससे क्या होता था, या फिर मैम क्या करती थी, अगर अच्छी राइटिंग लिखी तो गुड देती थी, उससे क्या मिलता था, एक छोटे से बच्चे को भी उससे मोटिवेशन मिलता था और अच्छा करने का, अच्छी राइटिंग बनाने का, कॉपी मेंटेन करने का, ठीक है। तो वैसे ही एज एन एम्प्लॉई अगर आप पब्लिकली उसकी तारीफ करोगे, पब्लिकली उसको रिकॉग्नाइज करोगे, उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी गाइस, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उसको खुद में खुशी होगी, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इस ऑफिस में मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी ने लोग इज्जत करते हैं, सब लोग उसको जैन सर बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। तो गाइस अगर जो कोई एम्प्लॉई अगर अच्छा काम करता है तो हमको उसको पब्लिकली गुड परफॉर्मेंस का अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। देन गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक में आ गए अपन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है। तो अपन कैसे इम्प्रूव करेंगे ये देखना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक गोल सेट करना है और उसको इस्टेब्लिश करना है, फ्रेश वाला अपन को सेट करना है गोल, उसकी अलग से डेडलाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि गाइज सेम डेडलाइन तो हो नहीं सकती ना, तो अपन एक न्यू डेडलाइन क्रिएट करेंगे।
उसके बाद ये बात को इम्प्लॉय के साथ बैठ के अच्छे से उसको बताना है, उसको समझाना है, तब जाके हो सकता है ना। तो उसके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फिर उसमें अपन एक्सपेक्ट करेंगे इम्प्लॉय को कि वो अच्छे से इम्प्रूव करे चीजों को। लाइक पुराने प्लान थे, पुराने प्लान में से उसने कुछ किया जो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि वो अबव द एक्सपेक्टेशन हो सकता है वो बिलो द एक्सपेक्टेशन हो। हम उसको बताएंगे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, देन नेक्स्ट टाइम नया गोल उसको देंगे, नई डेडलाइन देंगे एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अब अच्छे से इम्प्रूव करे उस चीज को लेके। क्लियर हुआ यहाँ तक गाइस? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेंगे पोटेंशियल अप्रेजल। हाँ, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है ये? तो गाइस पोटेंशियल अप्रेजल में ना अपन लिटरल और वर्टिकल मूवमेंट दोनों करते हैं एम्प्लॉय का, मतलब ऐसे मूवमेंट एंड ऐसे मूवमेंट दोनों करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग उसको क्रूशियल इनपुट्स मतलब प्लानिंग के बताते हैं, और उसकी गाइस जॉब रोटेशन होती है। जॉब रोटेशन मतलब गाइस एक काम कर करके ना हर कोई बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकलशिप में गए, आपको मैंने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना सिखाया, ठीक है, आप सीख गए। अब आप मैं आपको रोज एक ही काम कराऊंगी, बस करा रही हूँ 2, 3, 4, 6, 7, 8 महीना हो गया, आप बोर नहीं हो जाओगे? आप ऐसे इंटरेस्ट शो करो, मैम मेरे को थोड़ा GST रिटर्न भी सिखा दो ना, मैम मेरे को थोड़ा ऑडिट भी सिखा दो ना, मैम मेरे को थोड़ा बैंक स्टेटमेंट देखना सिखा दो ना। तो ये जो जो आपके अंदर आ रही है, तो भाई इसको बोलते हैं अपन जॉब रोटेशन करना। मतलब आप एज ए एम्प्लॉय चाहोगे कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिले, तो भाई उसमें अपन जॉब रोटेशन में हर किसी को अलग अलग एरिया में देते हैं और रोटेशन करते रहते हैं। सो दैट गाइस उन लोग का अच्छे से रोटेशन होगा तो वो लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और हैप्पीनेस के साथ काम करें, ठीक है। इसके बाद गाइस हम लोग को दो इम्पोर्टेंट टर्म से वाकिफ होना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये दो टूल्स रहते गाइस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। मतलब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है मैम? प्रोडक्टिविटी में ना गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को 100% प्रोडक्टिविटी से करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो काम को जितने अच्छे से कर सकते हैं ना, उतने अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट इसमें ना अपन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते रिसोर्सेज का, ये इसका डीमेरिट है। मतलब मैम नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझ लो कि मैं आपको बोली कि आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ना, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाना है, ठीक है। जैसे मेरी वीडियोस बनती तो मैंने आपको बोला कि बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे गाइस? वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वीडियो क्वालिटी अच्छी कर दोगे, उसकी वजह से ना डेटा बहुत ज़्यादा चले जाएगा, डेटा इन द सेंस इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट का बहुत भारी खर्चा आ जाएगा, बट गाइस आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी क्वालिटी 1080p में रहेगी मस्त। तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास डेटा की लिमिटेशन है तो उसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा चले जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। तो इसमें हमारे जो रिसोर्सेस है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे अपन। अगर इंटरनेट लिमिटेड रहेगा तो हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है, हमको बार बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है, फ्री वाईफाई नहीं रहेगा, समझ लो कि अगर पर GB चार्जेस लगते हैं तो बहुत हाई हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, मतलब प्रोडक्टिविटी तो हाई हो गई बट आप एफिशिएंट नहीं हुए। एफिशिएंट कब हो गए? जब आप इंटरनेट को भी उस तरीके से यूज़ करोगे कि वो भी बेस्ट है, मतलब उतना खर्च करोगे इंटरनेट जितनी ज़रूरत है। मतलब 1080p में कौन देखता है वीडियो? मूवी थोड़ी ना देख रहे, पढ़ाई वाली वीडियोज तो अपन 480p में भी देख सकते हैं। तो अपन उसको ऐसे मेंटेन करें कि क्वालिटी कम से कम 480p में हो, और उसके बाद फिर हमारा इंटरनेट भी ज़्यादा यूज़ मत हो, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए कि जिसमें खर्च भी ज़्यादा ना हो और विन विन सिचुएशन हो, तो इसको अपन एफिशिएंसी कहते हैं। आई होप गाइस आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप देख सकते हो गाइस, और टाइमली मैनर में करना रहता है एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी में टाइमली मैनर पे होता है काम, प्रोडक्टिविटी में ऐसा टाइम का कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो देख सकते गाइस प्रोडक्टिविटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे 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 करके टाइम कम होते जा रहा है उसमें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो काम को, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या एग्जामिन करती है गाइस? आउटपुट प्रोड्यूस, आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, जो आपने वीडियो बनाई, मैंने आपको क्या बोला था, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि 1080p की क्वालिटी, आपका आउटपुट बहुत मस्त है, आपका पूरा 5 स्टार मिलेगा, ठीक है। बट जो जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क जो प्रोड्यूस करते हैं ना बिजनेस का, वो एज ए इंडिविजुअल अपन देखते हैं। मतलब वही गाइस मैंने आपको बताया, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी रहेगी उसमें अपन क्वांटिटी देखेंगे, उसकी क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है, कि किस क्वांटिटी में और कितना बनाया और कितने अच्छे से बनाया, ये सब देखेंगे अपन।
ठीक है, बट जो एफिशिएंसी ना उसमें अपन देखेंगे कि रिसोर्सेस कैसे यूज किए। देखो गाइस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखते हैं इसमें अपन, अपन देखते हैं कि कितने इनपुट में इतना बनाया है। अगर मैंने आपको बोला कि 5 kg बनाना है आपको आउटपुट, तो प्रोडक्टिविटी वाला क्या करेगा, 10 kg लेके 5 kg बनाएगा अच्छा वाला कि मेरे को तो एकदम बेस्ट बनाना है। उसमें वो क्या करेगा पता है, समझ लो कि आपको बनाना है पेन, ठीक है पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए मैंने बोला कि 10 पीस पेन चाहिए मेरे को। तो जैसे पेन बनाना स्टार्ट किया, हो सकता है यहाँ पे ना हल्का सा कुछ डिफेक्ट आ जाए, हल्का सा कुछ स्क्रैच आ जाए, तो आप क्या करोगे एज अ प्रोडक्टिविटी आपका सोचो कि नहीं फेंक देना चाहिए इसको, ये अच्छा नहीं। ऐसा फेंकते फेंकते 10 पेन बनाने के चक्कर में 20 पेन तो आप फेंक चुके हो और 10 पेन एकदम बेस्ट वाला बना आपसे, ठीक है। वही जब आपको एफिशिएंसी में बोलूंगी ना, तो गाइस उसमें आप क्या करोगे, आप ऐसे सामान को वेस्ट नहीं करोगे, उसमें आप जो सामान बनाओगे वो आप पहली बार तो टाइमली बनाओगे, ऊपर से आप वेस्टेज को कम से कम रखने की कोशिश करो। आप सोचो कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो है ना इनके बीच का, मतलब जितना इनपुट लग रहा है उतने उतना तो उससे मतलब ऐसा आउटपुट बने जो कि प्रोपोर्शनली वैलिड हो। लाइक एकदम ज्यादा आप इनपुट लगा दे रहे हो और एकदम तू सा आउटपुट बना रहा, ऐसा बूंदी के लड्डू बनाने बैठे तो परफेक्ट शेप नहीं आ रहा लड्डू का, ऐसे बस डालते जा रहे नहीं काम का नहीं काम का नहीं, और ऐसे ऐसे करके साइड कर दिया और सिर्फ 5 लड्डू बना के दिए पूरा 10 kg जो रॉ मटेरियल लगता है उससे। तो गाइस ये ऐसी प्रोडक्टिविटी का क्या करूं मैं बताओ, मतलब मैं क्या करूं, इतना सारा आपको इनपुट दिया इतना सा आउटपुट बना के दे रहे हो, आपको मैं रिवॉर्ड दूं, आप बोलोगे मैम रिवॉर्ड दे दो मैंने आपको बहुत अच्छा लड्डू बना के दिया देखो मैम, और वही दूसरा एम्प्लॉई मेरा इतना सा आउटपुट ले रहा है, इतना सा इनपुट ले रहा है मतलब इतना मटेरियल दिया उसने लड्डू बनाने के लिए, और फिर वो इतना लड्डू मतलब 5 लड्डू बना के दे रहा है। आप भी 5 बनाओ मैं भी 5 बनाऊँ, आपने इनपुट इतना लिया मैंने इनपुट इतना लिया, बताओ तारीफ किसकी होगी। तो प्रोडक्टिविटी में अपन क्वालिटी एकदम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी एकदम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इनपुट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। बट एफिशिएंसी में हम लोग इनपुट और आउटपुट को देखते हुए काम करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट मतलब देखते हैं कि इस इनपुट में अगर मेरे को 5 kg ही मिल रहा है मटेरियल, तो उसमें बेस्ट क्या बना सकती हूँ मैं बेस्ट टाइमिंग के साथ, तो उसको अपन एफिशिएंसी बोलेंगे। हो गाइस आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बीच का अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक लाइन में बोलूँ तो एफिशिएंसी में अपन गिवन इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं, और प्रोडक्टिविटी में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस एफिशिएंसी में भी अपना 2 टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है टेक्निकल, टेक्निकल में अपन क्या सोचते हैं कि हमारे पास इनपुट इतना है, अब हमको ना आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बनाना है, बहुत सारा आउटपुट बनाएंगे हम लोग, चाहे उसमें इनपुट इतना ज्यादा लग जाए, इनपुट इतना ज्यादा लगेगा बट हमको आउटपुट बहुत सारा बनाना है, ये हमारा मकसद होता है। बट एलोकेटिव में क्या रहता है, अपन अपना ब्रेन का यूज करते हैं। ब्रेन का यूज कैसे करते हैं, आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। समझ लो कि आपको CMA फाइनल पास करना है, तो आप टेक्निकल अप्रोच से गए, तो आप क्या करोगे, दिन भर बस मैट को पढ़ रहे हो, दूसरी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, सब जगह से पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मार्क्स ही ये आपके अंदर जुनून है, ठीक है। और वही एक बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले सारी बुक्स को देखेगा, वेटेज देखेगा, स्पेसिफिकली चीज़ों को देखेगा, और गौर से जिसमें ज़्यादा वेटेज है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करके पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूरी चीज़ें नहीं पढ़ेगा, बट वो प्रायोरिटाइज करके चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा टाइम देके और बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के, कि अगर इस सब्जेक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन पढ़ूंगा तो मेरी बेटर स्टडी होगी। और एक जन बस मगअप करे जा रहा है, बस पढ़े जा रहा, तो वो टेक्निकल हो गया, वो टेक्निकली चीज़ों को पूरा पढ़ रहा है, और ये एलोकेटिव हो गया, मतलब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है कि मैं लॉ के साथ अकाउंट्स पढ़ूंगा प्रैक्टिकल विद थ्योरी, तो मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा दिन इफेक्टिव जाएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पढ़ रहा है। और एक जन बस आज तो लॉ खत्म करना ही चाहे, तो वो टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल और एलोकेटिव, समझ गए गाइस डिफरेंस, जिसमें अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमारा बेस्ट आउटपुट आ सके। देन गाइस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एक प्रोसेस होती है, हमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अपन क्या देखते हैं वीकनेस क्या है हमारे फर्म की, स्ट्रेंथ क्या है हमारे फर्म की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आखिर हम ग्रोथ क्या चाहते हैं, ये परफॉर्मेंस को अपन जज करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम अपनी परफॉर्मेंस को प्रोसेस को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ग्रोथ परस्पेक्टिव से देखते हैं, इसी को अपन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कहते हैं। ये गाइस 3 लाइन का डेफिनेशन है, आपको 3 लाइन पूरी लर्न होनी चाहिए, मैंने आपको एक्शन से याद कराने की कोशिश भी की है, होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट क्रेडिटर जो रहते हैं ना, उन लोग जैसे क्रेडिटर हो आप मान लो ना अपने आप क्रेडिटर हो,
तो चाहे जैसे आपने किसी को अपने फ्रेंड को, मान लो आपने फ्रेंड को 1,000 रुपये दिया, तो आप थोड़ा सा तो देखते रहते ना, ध्यान रखते हो कि यार वो वापस कर दे तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं तो उसके पास लिक्विडिटी तो होनी चाहिए, वो जल्द से जल्द वापस कर दे। अगर अब बॉन्ड होल्डर है तो अपन बॉन्ड होल्डर के हिसाब से क्या देखते हैं, वो कि कैश फ्लो इसका अच्छा बने रहे। तो इन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आपकी, आपके कैश फ्लोज में, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, दे आर इंटरेस्टेड। दैट्स वाई हमको उनके लिए बनाना पड़ता है, ताकि उन लोग को ये दिमाग में रहे कि हाँ, हमारे पैसे नहीं डूबेंगे। ठीक है गाइस, फिर इन्वेस्टर रहते हैं। इन्वेस्टर किस में इंटरेस्टेड रहते हैं? इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहते कि वो प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में जो अर्निंग आने वाली है वो आ जाएगी। ऐसे चैन की सांस लेते जब वो लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं आपकी। इसीलिए गाइस ये जरूरी होता है बनाना, और ये फायदे होते हैं। जब इनके मन में शांति रहती है तो आपका बिजनेस स्मूथली चलता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या रहता है? जब मैनेजमेंट, एज अ मैनेजमेंट मैं भी तो देखना चाहती हूँ ना कि मेरे इंटरनल कंट्रोल्स जो मैंने लगाए हैं वो अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है। तो ये मैनेजमेंट के पॉइंट से हुआ। अब गाइस एरिया क्या क्या होगा इसमें? तो एरिया होगा वर्किंग कैपिटल एनालाइज करोगे आप सबसे पहले, स्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे, एक्टिविटी एनालिसिस करोगे और प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करोगे। कैपिटल, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, चार चीज को क्लियर। इसके बाद का गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल रेशियोज है गाइस, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना ही है। और गाइस अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।